नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। यूपी में अपराधों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एटा से बड़ी खबर आ रही है, पुरानी रंजिश के चलते युवक की गोली मारकर की गई हत्या। नामजद 5 लोगों ने घर से खींचकर युवक को मारी गोली। आरोपी पहले गोली कांड जा चुका है जेल। जमानत पर घर आया था आरोपी युवक। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोली लगने से लहूलुहान युवक को भेजा जिला अस्पताल। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। जैथरा थाना क्षेत्र के नगला गुमानी की घटना। एटा से विकास दुबे की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? राम किशन। आज आप एटा पोस्टमार्टम कर रहे हैं, क्या कारण है? हमारे भाई साहब को मर्डर कर दिया, गोली मार गई। किसने मारी है गोली? केशपाल। कहाँ के निवासी हैं आप? नगला गुमानी के। कौन सा थाना पड़ता है? जैथरा। अच्छा, फिर आपसे ये क्या पुरानी रंजिश थी? हाँ, पुरानी कम चली जाए है, भाई रंजिश मना तो भाई चला है। हमारे बड़े भाई खत्म कर दिया ऐसे ही, हमारे जय रामपाल भाई साहब खत्म कर दिए। आज जब गोली कांड हुआ तो कोई कारण रहा, क्या लड़ाई हुई थी उन्होंने? कुछ नहीं, हमारे घर से खाना खा रहे थे भाई साहब जी, भाई आगे नल लगा हमारे द्वारा, वहीं पर पानी पीने भाई वहीं तक खाँचे लाए गए। इरादा से जाके हम गोली मार दें तो छोड़ेंगे नहीं, वरना अपने घर में दे कर गोली मार दी। पुलिस द्वारा हम उठा के लाए एक आगे। आपने तैयारी दी पुलिस को? जैथरा क्षेत्र में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या का प्रकरण सामने आया। सर, क्या है पूरा मामला? थाना जैथरा क्षेत्र में आज शाम को 6 बजे के लगभग दो जाटों परिवारों में एक 3 साल पुराने 307 IPC के केस को लेकर विवाद हुआ, और उस विवाद में केशपाल जाटो पक्ष ने रामपाल नाम के दूसरे जाटो व्यक्ति को सिर में गोली मार दी। जिला अस्पताल परिजन उसको इलाज के लिए लेके पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में FIR थाना जैथरा पे दर्ज की गई है। परिजन आ गए हैं, पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई भी कराई जा रही है। आरोपी केशपाल जाटो को घटना में प्रयुक्त तमंचा और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है, और उसने अपना जुर्म भी कबूल किया है।